मध्य प्रदेश में सीधी के बाद एक और पेशाब कांड से जुड़ा मामला सामने आया है। इस बार मामला स्कूली छात्राओं से जुड़ा हुआ है। स्कूल में पढ़ने वाले कुछ छात्रों ने छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब भरने की घिनौनी हरकत को अंजाम दिया है। छात्राओं ने जब पीने के लिए पानी की बोतल उठाई तो पेशाब की बदबू आने पर शिक्षकों से शिकायत करने पर मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शिकायत करने वाली तीनों छात्राएं 11वीं में पढ़ती हैं। ये तीनों छात्राएं इंग्लिश का पीरियड अटेंड करने के लिए साइंस की क्लास में गई थी। इस दौरान इन्होंने अपना बैग और पानी की बोतल अपनी क्लास में ही छोड़ दिया था। छात्राएं जब इंग्लिश की क्लास अटेंड करके अपनी क्लास में वापस आई तो एक छात्रा ने बोतल से पानी पिया। उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसमें पेशाब जैसी बदबू आने पर छात्रा ने अपनी बोतल के पानी को फेंक दिया, जबकि दूसरी छात्रा ने बोतल का पानी नहीं फेंका और इसकी शिकायत स्कूल के शिक्षक से की। 2 बजे की छुट्टी के बाद जब इंग्लिश का पीरियड लगा तो हम साइंस क्लास में पढ़ने गए। पढ़ाई के बाद हम जब अपनी क्लास में आए तो हमने पानी पिया तो उसमें कुछ अलग प्रकार से स्वाद मतलब अलग सी वो लग रही थी, तो स्मेल आ रही थी और एक बोतल में तो बहुत ही स्मेल आ रही थी, तो उसका पानी हमने फेंक दिया था। और जब हम सब और फिर थोड़ी देर बाद हम सर को बताने गए तो सर आए क्लास में। उतने तक में हमने वो बोतल का पानी फेंक दिया था तो सर बोले कि सर लड़कों को थोड़ा डांटे, हमको भी डांटे और लड़कों को बोला कि आप अपने पेरेंट्स को लाना और लड़कियों को अपने पेरेंट्स को लाने के बोले थे, फिर उसके बाद सर चले गए थे। छात्राओं के परिजनों ने छात्रों की इस हरकत पर दुख जताते हुए दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। स्कूल से छुट्टी के समय घर पहुंची, गेट के बाहर थी गुड़िया और रोते रोते बोली कि पापा जी हमारे स्कूल में आज ये हरकतें हुई है। कौन सी हरकत हुई सर? गुड़िया छुट्टी के समय घर पहुंची तो गेट के पास पहुंच कर रोते रोते बोली पापा जी आज हमारी बोतल में लड़के लोग बाथरूम कर दिए हैं और हमारी सहेली एक घूंट मुंह में डाल भी ली थी, तो उसको बाथरूम जैसा लगा उसने बाहर किया और हमारी जो गुड़िया थी वो भी अपनी बाटल खोली तो उसमें गंध आ रही थी बाथरूम की, तो एक बाटल की तो फेंक दी थी बाथरूम। फिर इसके बाद में भी गुड़िया सर को बोली नितिन सर को कि सर ऐसे ऐसी हरकतें हैं कि लड़के लोग हम गए थे साइंस में पढ़ने इंग्लिश पीरियड के लिए, ये लोग जब लौट के आए हैं तो 5 लड़के लोग जिम मिले हैं और हमारी बाटल में जी वाली हरकतें हुई है। तो सर बोला लड़के को डांटा है और गुड़ियन को बोला ठीक है कल हम उनके पालक को बुला रहे हैं। अब सर जैसे कि गुड़िया हमको बोली तो मेरी छाती में तो बाण लगे जैसा लगा। आज यदि प्रिंसिपल है, ये सर हैं स्टाफ की, आज इनकी बच्ची के साथ ऐसा होता तो ये क्या करती? तहसीलदार साक्षी शुक्ला ने बताया कि स्कूल की छात्राओं के पानी की बोतल में कुछ अज्ञात पदार्थ मिलने की सूचना है। वो पदार्थ क्या है अभी इसकी जाँच की जा रही है, जांच के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। कल का घटनाक्रम है जिसके तहत तो जो अभी तक जानकारी मिल पा रही है कि एक छात्रा की, वास्तव में 2 छात्राएं थी जिनकी बोतल में, पानी की बोतल में कुछ अज्ञात सब्सटेंस मिलने की बात सामने आई है और वो सब्सटेंस क्या है इसकी जांच अभी चल रही है, तो उसके बाद ही हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। फिलहाल घटनाक्रम तो यही है कि कुछ गांववासी भी हैं यहाँ पे, छात्र छात्राओं के अभिभावक भी हैं जिनकी शिकायत शायद प्राचार्य से है, इसके पूर्व की भी कुछ घटनाक्रम उन्होंने मुझे बताए हैं, तो उन सबको संज्ञान में लेते हुए और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों के भी संज्ञान में उक्त मामला है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारी की जानकारी में ये आ चुका है, तो फिलहाल यही एक विषय है जिसपे अभी आगे की कार्यवाही अब की जा रही है। सहायक आयुक्त विजय तेकाम ने कहा कि मामले की जांच चल रही है, छात्र छात्राओं से पूछताछ के बाद ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच चल रही है, बच्चों से पूछा गया, पालकों से पूछा गया है, छात्राएं मतलब थाना गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में और इसकी विस्तृत जाँच होगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभी पालकों से चर्चा हो रही है, प्रिंसिपल से चर्चा हो रही है, शिक्षकों से चर्चा हो रही है, अभी बच्चों से चर्चा हुई है, कन्याएं थोड़ा थाने गई हैं, उनको बुलाया गया है पालकों के साथ में, जैसे वो आते हैं उनसे भी चर्चा किया जाएगा और जांच रिपोर्ट अभी जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आपको वास्तविक तथ्य का पता लगेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़,
आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।